उसका कहना है कि तुम दोनों कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते और ये बच्ची तुम्हारी है। क्या मेरी बच्ची? हाँ। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसकी सवाना कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, मेरा इससे और कोई रिश्ता नहीं, और ये प्राणी मेरा नहीं है, माफ कसम। आपको पता नहीं तिवारी जी मेरा क्या हाल है, हो सके तो आप भी मेरी मदद कीजिए ना इससे बाहर निकलने में। पहली बार होगा कि पत्नी का आशिक पति को पूछा कि उसकी पत्नी के चक्कर में से बाहर निकलने के लिए। तुम्हें तो दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। ये बूढ़े कभी औरत देखे नहीं है क्या? चमकी ए, उसे क्यों गाली दे रहा है? नयन सुख ले रहा है मेरी बीवी का। अरे भूतिया वो अंधा है। चलती चेंज करो, ये रो गई है। क्या हो रहा है? कहा तू चली? वो बोल रही है कि प्रेग्नेंट भी मेरी वजह से हुई और बच्चा भी मेरा ही है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अब तिवारी को कुछ नहीं पता, नाक कटने वाली बात है वो जानती है। चुरा के दिल तेरा कोरिया जले। डॉक्टर ने कहा सब चंगा है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बच्ची का पिता हमारे सामने खड़ा, यही आपका लाडला है। नहीं, ये रामायण और भूषण की जानकारी में हो रही। अरे बात कैसी फैली आप नहीं जानते? फैली सीटी, फैली पलंग पे, फैली सोफे पे, मुझे नहीं जानना, बच्चा हो गया ना। हाँ,